अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विलेज लाइफ का एक्सपीरियंस कैसे होता है। मैं अपनी मासी की तरफ जा रही थी तो मैंने कहा क्यों ना कुछ क्लिप्स ले लूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और यहाँ पर हम लोग जो है हम लोगों ने संडे का दिन था तो पहले हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद गए। क्या खा रहे यासिर? बैंगन का भरता, आलू की भुजिया, दही, चाय, रोटी एंड दिस इज ऑमलेट, जिसको हम लेट के खाएंगे। क्या है ऑमलेट? एक थोड़ा सा ना ये सादा अनार तोड़ के अनूर को दे दो, वो मांग रही मोमो साल को, ताकि उसका भी जोश पूरा हो जाए। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था तो अब हम जा रहे हैं अपने मासी की तरफ। वो गांव में रहती हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और बस दो चार उनके पास ही हैं गाय भैंस है, जिनके दूध वगैरह से उनका घर का जो खर्चा है वो चल रहा है। उसके अलावा वो लोगों के घरों में काम भी करती हैं और बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं उनके 5-6। अल्लाह ताला बस उनको हिम्मत दे ताकि वो उनकी परवरिश अच्छे से कर सकें। उनकी तो डेथ हो चुकी है तो मैं अभी पाती हूँ उनकी बेटी आपको। तो हम गए थे यहाँ पे जब तो उनकी बेटी बाहर ही खड़ी थी घर के बाहर। आशा पी, जमीला पी, शर्म आ गई। सवेरे कहने लगे क्या खारे क्यों आ रही थोड़ी देर बाद? ये रिटायर्ड तो कह रही दो अपने व्यक्ति फिर की खड़ी है तो ये जाड़े लंदन लंग मौसम को जहर जा गिए बंदा वरना बाहर निकलने तो कहना आई कमरे ढके बैठे रहो ते को के है। हाँ आधे गा की थी मैं दिहाई जो है ना ठीक है हाल है बज गया जी मेरी कैसे दे दिए ओ भैया ने भी भैया ने यार उनको सलाम करो उनको हाथ मिलाओ भैया ने ले ना अभी मैं बाबू बन गई हेलो मैं क्या कर रही हूं यार इंतकार पता लगे भुख रखी उसने पावे प्रोडक्टिव है मल्टी टास्किंग ही हो जाए एटलीस्ट इतने काम होते हैं पूरे दिन गुजर जाता है तो सुबह सुबह उठ के फिर शुरू हो जाता है स्वाप का स्वाप भी होता है ये हलाल चीज पालो इनको ख्याल रखो नहीं हमें पता है हमें करना क्या है लेकिन हमें इसी का नहीं मान करता ये ठीक है सारे काम अच्छे करते हो एक एक काम जो मेन जिस काम के लिए दुनिया में है वो तो करो खड़ियान नफा नफा बहुत
चलो अंदर नीचे आऊंगा अल्डे मन है बनाई ने भाचा बनाए हुए भाग जा सो जा भाग जा सो जा आज तो दाग रखी होती है अच्छा मैं कितने देती हूं हैं आड़ी अरे अब ले लिया अब ले मैं को मिला हां हां मैं को दे दिया ना आई से रिया में रिया में रिया में खोलो तो ना खाला अंदर के बाहर कमरे में अंदर बदल बाहर अंदर बदल बाहर चलो सही चल चलो घेरो ना रात अंदर खड़ी रात मैं सिर मई ने लुकती खड़ी लुकती खड़ी चल चल वन 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 अंदर मेहनत कहीं की चूहे बकरे ये कितनी दूर है अंदर आशा रिया में दिया तो सीन दिखा मसीन दिखा मरी हाली तो दिखा दिया रे देख 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 और देख तो सही डर दिखा दी है चुप कर दिखा दी आओ आगे हम शायद फल मोया था अच्छा आओ बाहु मैं बैठ रही हूं हां ही ना मोया ही ना हां आओ बाहु हां बैठ खड़ी ठीक है तो देखो ओ थी है गाटे बन बुखार थी असि सही कितना आई महीने दी कटी आई कह रही हो शादी हम मिल दी आठ पारी है और कितने टाइम नहीं मिल रही हैं ओ कुमार कितने टाइम थी ये इन बार 15,000 थी हां हां इधर आनी में डरी हुई हां बद्दी खनी ने हां ओ किंदे बाल ओ इंदा जड़ी नाल खड़ोती सी ए ए हां ए बहन तेरी दी है बच्ची मार है अभी इधर ए ना ना दे ना दे हां ना बच्ची है हम जगह देख कर ना अभी आ तल्ली खड़ो कल में बैठे थे यहां नहीं नहीं लेट है भी इधर को मेरी और बैठी हुई लगी हो ओ दिखा दे भी और हां हां नजर आ गई है आगे नजर ए ना दे ये ना दे सही अच्छा ये पुराना बालों से और वो भैंस है मांझे भी होती है हाँ गाय मेल मेल है ना हाँ वो फीमेल होगी हाँ वो उसकी बेटी और ये मेल है ये भैंस है इसकी भैंस ही होती है फिर वो फीमेल होती है ये फीमेल भैंस है अच्छा ये फीमेल है इसका मेल होता है इसका बच्चा मर गया हाँ ठीक है ओके ओके इसलिए डरी डरी भी रहती है मुझे समझ आ गया दोस्त अच्छा बेबी फर बाहर को समझ आ गई खाला एक घा देओ तो काट लेने टोक लेने एक घा देओ टोक लेने घा टोक लेने इधर ला देखो तो घा टोक लेने मजाक करना होता है आ चल मैं से थोड़ी मेहनत करवाओ रात जैसे सपना सांप हो सी मिलियन कर खाना हो जैसे तो खैर रही बाकी में पानी तो पानी देना खड़ा है आज खीर के अंदर बनाया ऐसा कि इनको खीर से खीर जो है तो वहां रही छुट्टी है साके घूमे अभी ने के खाला परवीन को मिला है असे मिलन कर लगी है पैसे ने पहले आके जगह लांग खड़े कले बैर अंदर वे बारू मामा वे ठीक ठाक हो रहे हैं तभी से ठीक है बाल बच्चे नहीं ना 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 बाल हां बाल कितने में आवे तो वाली जाने भू 12 रुपए तो नहीं थू इंशाल्लाह देखो करना नहीं है।
ਮੇਰਾ ਕਲ ਉਡਾਈ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਮੇਰਾ ਗਾਹ ਕਰੇ ਕੁੱਕੜੇ ਲਖਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੁੱਕੜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅੰਮੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੱਗੂ ਨਹੀਂ ਭਈ ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਦਾ ਹੈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਖਾਲੀ ਗਾਹ ਸ਼ਾਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕੁੱਕੜੇ ਲਖਾ ਆ ਗਿਆ ਗਾਹ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਹੀ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੋਰਾ ਮਰਲੇ ਆਮਨਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਾ ਬਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਆਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਵੈਸੂ ਉਮਰਾ ਤੇ ਵੈਸੂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਚਾਹ ਮਰਲੇ ਇੰਦੀ ਹੈ ਆਮਨਾ ਦੀ ਹੈ ਦੋ ਮਰਲੇ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨਸਰੀਨੀ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਾਹ ਮਰਲੇ ਸ਼ਬੀਰੇ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਬ ਸ਼ਬਾਨਾ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਚਾਹ ਮਰਲੇ ਤੇ ਇੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਵਾਂਦਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਛੋਲਾ ਮਰਲੇ ਕੱਠੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਵਾਦੇ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਪਾਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਨ ਵੱਧਾ ਕਿੱਲਾ रुमाल पा के घूम दिया कौन है लेकिन हमें दूध नहीं मिला क्योंकि कहती है हमारे जो जानवर है ना अब दूध कम देने लगे घास वगैरह नहीं है सर्दी है बहुत ज्यादा तो घास उगी नहीं है तो उनकी ना सही तरह से सही तरह से जो है बहुत सारा दूध देती है दूध में कमी हो गई इसलिए करो कुछ दिन ऐसे कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा चल ठीक है हम लोग यहाँ से घर जा रहे थे तो बस यही कुछ था आज के व्लॉग में तो घर जाके आपको दिखाऊंगी इसके बाद अगला क्लिप धुंध जो है दरख्तों की तरह से क्लियर नजर आ रही थी जैसे नीचे उतर रही है आसमान से हर तरफ ठंडी ठंडी हवाएं बहुत ज्यादा चल रही थी बस हमने कहा बस जल्दी जल्दी जो है हम घर पहुंच जाए मासी ने ना हमें उनके घर में उनकी बेटी ने हमें गन्ने दिए थे खाने के लिए बहुत ही मुश्किल से खाए हम लोग शहर इतनी जान नहीं होती हम तो छिले वे ले लेते गन्ने जो होती है वो लेके खा लेते हैं सही से रहते खाना बस थोड़ा सा ही खाया लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगा के हम लोगों ने खाया तो बाकी का जो बच्चे पीस थे हम लोग घर ले आए थे हमने कहा चलो बच्चे भी घर में खा लेंगे थोड़ा सा उनका भी इंजॉय हो जाएगा हालांकि हम लोग तो ब्रश वगैरह भी करते हैं फिर भी हमारे दांतों में इतनी जान नहीं है क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज नहीं है ना दांतों की तो शहरों में रहने वाले ये सब चीज है इस तरह काम जो है खाते पीते रहते हैं तो उनको जो है उनके दांतों में बहुत जान होती है इसमें हम लोग पहुँचने वाले हैं घर ये देखें जी माशाल्लाह जैसे घर पहुंचूं सरप्राइज मिला है मुझे मेरे बच्चों ने कपड़े इकट्ठे करके ना अलग अलग करके अम्मी के बहन के अपने ये देखें जी मेरे अलग अलग करके उन्होंने जैसे उनको समझ आया कपड़े तैयार करके रखे जैसे उनको तरीका आया है इकट्ठे करके अमन ये क्या कर रही हो ये सॉक्स इकट्ठे कर रही हो अच्छा ये ऐसे रखते होते सॉक्स को वाओ ये जाया नहीं करो मुझे काम आती है चलो ये सारी इकट्ठी करो चलो इकट्ठा करो इनको एक दूसरे के अंदर डालो ताकि ये गुम ना हो जाएं और वो कपड़े तय करके रखे हुए हैं ये रात का टाइम हो गया दोपहर को तो हम नाश्ता करके गए थे वापस आके हम चाय वगैरह पी थी उसके बाद रात हो गई थी और गैस भी आज बहुत ही तंग कर रहा था बिल्कुल हल्का हल्का सा कुछ बनाने का समझ ही नहीं आ रही थी ना ही दिल कर रहा था इतनी गैस में तो हम लोगों ने जो है बाहर से ऑर्डर कर लिया था
खाना, ये मैंने मंगवाया था मैक्सिकन प्रो, एक बर्गर होता है एक मतलब पिज़्ज़ा शेप का, ऊपर नीचे ब्रेड होती है, अंदर पिज़्ज़ा का सारा स्टफ़ डाला होता है, चीज़ वगैरह सब बहुत मज़े का बना होता है। और ये है कि हैवी भी होता है, मतलब बड़ा होता है थोड़ा सा, तो फिर बच्चों की भी और मैं हम लोग शेयर करके खा लेते हैं, हमारी भूख उतर जाती है इससे। वरना बर्गर का तो साइज़ इतना छोटा होता है ना कि एक तो एक से तो भूख उतरती नहीं है, तो बस हमें इसलिए मैंने ये मंगवा लिया था। बहन भाई ने मेरे अपने अपनी पसंद के जो जिसको जो चाहिए था उन्होंने वो मंगवा लिया था। ये बहुत मशहूर जगह है रशीद कॉर्नर, गुलगश्त में, मुल्तान में जो गुलगश्त है ना करदेजी मार्केट, वहाँ पे रशीद कॉर्नर बहुत ही फेमस जो है वो जगह है, उसके पास ही इन्होंने ब्रांच खोली हुई है रशीद फ्राइड चिकन की, RFC। तो ये उनका मेन्यू में है ये मैक्सिकन प्रो बर्गर, तो वहाँ से ऑर्डर किया था। और बस अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम तो फ़िलहाल भूख उतर गई थी, बच्चों को भी मैंने शेयर करवाया था साथ में, हम तीनों ने मिल के खाया था, मैं और मेरी दो बेटियाँ। तो पर हुआ ये कि फिर रात को मुझे फिर भूख लग गई, तो बस मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर ना मैंने थोड़ा सा पानी बॉयल किया और मैगी पड़ी हुई थी मेरे पास, एक कप नूडल्स, तो बस मैंने वो बनाया। और वो क्योंकि मैंने बर्गर बच्चों को ज़्यादा दे दिया था, मैंने खुद कम खाया था, तो बच्चों को तो बस उनकी भूख जितनी थी उनको तो पूरा हो गया था, हैवी होता है काफ़ी, लेकिन मुझे मेरी क्वायर हिसाब से ना मुझे क्वांटिटी पूरी नहीं हुई, तो बस मैंने ये निकाले थे। सऊदी अरब से आया था मेरा भाई, तो उसने मुझे एक दो कप नूडल्स दिए थे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे खाया करते थे ना शौक से, उसको पता है, फिर सबके लिए एक दो दो पीस ले आया था वो। बस एक तो मैंने पहले बच्चों को बना के दी थी, एक पीस रखा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना आज बना के खा लूँ बस। तो मैंने पानी गर्म किया, इसमें डाला, मसाले वगैरह डाले, एंडोमी के ये कप नूडल्स हैं, बहुत ही यम्मी होते हैं, मज़े के, सऊदी अरब में मिलते हैं ये, तो बस ये बनाए थे और गर्म गर्म ये इन्जॉय किए थे मैंने। साथ साथ मैंने मूवी भी देखी थी, बच्चे सब सो रहे थे क्योंकि रात के 1:30 बजे का टाइम था, फिर मैंने कहा इसके बाद जब तहज्जुद का टाइम होगा फिर नमाज़ पढ़ूंगी मैं, तो फिर बस मैंने अपने आप को ना और मसरूफ़ रखने के लिए और जगाए रखने के लिए, तो फिर मैंने मोबाइल वगैरह पे यूट्यूब लगा लिया था, बस वो देखती रही, साथ साथ मैं ये मैगी भी जो है इंजॉय करती रही। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग, पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को और लाइक कर दें मेरी वीडियो को। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।